शांतिनगर पुलिस की सक्रियता से एक बड़ी वारदात होते होते बची है। पुलिस को मिली गुप्त जानकारी के आधार पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने एक शातिर आरोपी को धारदार चाकू मिलकर लगभग 57,000 के मुद्देमाल के साथ गिरफ्तार किया। इस संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक गणेश जामता ने अधिक जानकारी साझा की। मिली जानकारी के अनुसार शनिवार की रात शांति नगर पुलिस को गुप्त जानकारी मिली कि आरोपी आकाश राजपूत ये अपनी कमर में एक स्टील का धारदार चाकू लेकर एक दोपहिया वाहन के पास किसी गंभीर घटना को अंजाम देने के लिए खड़ा था, जिस पर कार्यवाही करते हुए पुलिस घटना स्थल पर पहुंची, जिस वक्त उन्हें आरोपी दिखा दिया। पुलिस को देखते ही आरोपी भागने लगा, लेकिन पुलिस ने बड़ी ही बखूबी से आरोपी को हिरासत में लेने में कामयाबी हासिल की। इस संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक गणेश जामता ने अधिक जानकारी साझा की। काल रात्रि आमचे तपास पथक ज्यास पेट्रोलिंग करत होतं, तर त्यांना माहिती मिळाली की सतरंजीपुरा झोन कार्यालय त्याच्या झाडे चौकाच्या समोर एक इसम थोडा संशयित आहे, त्याच्याजवळ गाडी देखील आहे। तर असं माहितीवरून आमचा स्टाफ तिथे गेला आणि त्याला पकडलं। त्याचं नाव आहे आकाश राजपूत, तो टेलिफोन एक्सचेंज इथे राहणार आहे। तर त्याच्या ताब्यामध्ये आम्हाला एक चाकू मिळाला, त्याच्या अंगझडतीमध्ये एक चाकू मिळाला, चार मोबाईल मिळाले आणि एक बजाज सिटी 100 गाडी मिळाली, टू व्हीलर। तर आमचा काल रात्री आम्ही त्याच्यावर भारतीय शस्त्र अधिनियम 425 नुसार गुन्हा दाखल केलेला आहे। अटक रात्रीच केली, त्याला आज सकाळी मान्य कोर्टात हजर केले असता त्याला एक दिवसाचा PCR मिळालेला आहे। आता तपास चालू आहे। आरोपी की छानबीन करने पर आरोपी से एक चाकू मिलाकर 57,200 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया गया। इस संबंध में पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई जारी है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा खटवा की रिपोर्ट।